बैंक रोड में स्थित एक होटल में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर अमिता सिंह द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर अमिता सिंह ने कहा कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश में गठन किया गया है। प्रोफेशनल कांग्रेस एक ऐसा फोरम है जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले प्रोफेशनल चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, एडवोकेट, शिक्षक, उद्यमी जैसे लोग देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़कर अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। पैड यात्रा के माध्यम से एक मुहिम चलाकर लड़कियों को बंधन से मुक्त करने का कार्य किया जाएगा, जिसके अंतर्गत लड़कियों की स्वस्थ, सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाएगा। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बंधन में रहने वाली लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए इस कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी, जिससे लड़कियों का मनोबल बढ़ सके। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जमाल, महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी, डॉक्टर सुरेता करीम, डॉक्टर वजाहत करीम, अरुण कुमार अग्रहरी, अनुराग पांडे, धर्मराज चौहान, विकास द्विवेदी, जैमिनी पांडे, नासिर मुन्ना, उमेश चंद खन्ना, दिलीप निषाद सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस डॉक्टर अमिता सिंह ने कहा, मुझे के लिए मुझको आदेश किया गया है अपनी नेता डॉक्टर अमिता सिंह जी को बोलने में लगी है। एक एक वाक्य, एक एक शब्द, सुनीता करीम मैडम, डॉक्टर जहां करीम साहब, डॉक्टर अमिता सिंह जी जो नेतृत्व कर रही हैं प्रोफेशनल्स कांग्रेस का, वो अध्यक्ष ही नहीं है बल्कि आपको ये श्रेय प्राप्त है। प्रधानमंत्री को न सिर्फ भारत की पवित्र धरती, महान धरती पर तमाम मुद्दों को लेकर के उस महान नेता को, उस तेजस्वी नेता को, उस लेकिन उस नेता को अगर कोई ऊर्जा देता है जो परिवार अमेठी में रह करके, आप उस परिवार गोरखपुर से विशेष लगाव की भी आपने चर्चा की, मैं चाहता हूं कि उसको ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के प्रति आपकी विशेष दृष्टि, अब जो भी बताया जाए वो कम है। मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ ईस्टर्न यूपी वो क्यों है? डॉक्टर का तो एक पेशा डॉक्टरी का पेशा है, आप समाज सेवा में लगी रहती हैं, लोगों की सेवा करती हैं, लोग आपके पास जाते हैं, भीड़ लगाते हैं, कई कई दिन नंबर लगता है, फिर आप तक पहुंचते हैं, आप इलाज करती हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन जब कभी कांग्रेस को जरूरत पड़ती है जनता का वोट हासिल करने के लिए, कोई हमें दिखाई नहीं देता। अपने आप गोरखपुर से लेकर के हाईकमान तक के नेताओं की नजर जिस चेहरे पे पड़ती है, उस चेहरे का नाम है डॉक्टर सुनीता करीम। चाहे मेयर का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में तलाश होती है जब चेहरे की, तो जाके नजर टिकती है सुनीता करीम जी को, और आप उसे बखूबी निभाती हैं, और जनता के बीच में एक नया माहौल, एक नई ओजस्विता, एक नया उत्साह पैदा करती है। हमारी कांग्रेस पार्टी की एक रीति है, वेंकटेश्वर पांडे जी आपका समाज में जो योगदान है और जो आपकी कृतियां हैं, और जैसा कि और चलिए अगर एक चर्चा, और जिस तरीके से आप चुनाव लड़ती हैं, जनता का जिस तरह से प्रेम आपके प्रति उमड़ता है वो बेमिसाल है। ये पैड यात्रा जो है ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की तरफ से, हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है जो बेसिकली एक लड़की के स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रतिबंध लगे हैं, जो बंधन में लड़कियां फंसी रहती हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, एजुकेशन और अवेयरनेस के को खड़ा करने के लिए हम इस पैड यात्रा को गांव, और वो भी जो बहुत पिछड़े गांव हैं, वहां तक ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस इसको पहुंचाना चाहता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोग्राम होगा, ऐसा नहीं है कि वो एक गांव सिलेक्ट होगा और एक ही गांव में होगा। हम ये ऑनगोइंग प्रोग्राम करेंगे और जहां तक हम पहुंच सकते हैं हम निरंतर इसको एक के पीछे एक पहुंचाते रहेंगे। हमें लगता है कि एक लड़की का आत्मबल
उसका आत्मविश्वास अगर मजबूत होगा तभी महिला सशक्तिकरण जो है अपने शीर्ष तक पहुंच सकता है। तो शुरुआत हम करना चाहते हैं छोटी लड़कियों के साथ, और ये जो पैड्स हम देने जा रहे हैं वो बेसिकली रीयूजेबल पैड्स हैं जो लड़की 12 मासिक चक्र के लिए यूज़ कर सकती हैं, और इससे वो कहीं ना कहीं जहाँ आज के वर्तमान समय में कतरन और राख और पेड़ के पत्ते और कागज़ यूज़ करती है, 2 महीने तक स्कूल से दूर हो जाती है क्योंकि जा नहीं पाती है स्कूल, इससे उसको थोड़ा सा बल मिलेगा, ये रीयूजेबल पैड्स उनको मिलेंगी। तो हम चाहते कि इसकी एक तरीके से उनको एजुकेशन भी मिले और अवेयरनेस भी हो और आगे चल करके उनकी आदत भी बन जाए।